हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम वर्ड। मैं दीपेन कुमार आपके लिए लेके आया हूँ क्लास एलेवेंथ का सिलेबस केमिस्ट्री का, जो कि हम पूरा बेस पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। एमपी बोर्ड से रिलेटेड होगा, सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड होगा, या फिर कहें तो हर जगह एनसीईआरटी ही चलने लगी है, तो एनसीईआरटी ओवरऑल हर जगह काम आती है आपके। तो हम उसी एनसीईआरटी के सिलेबस पे के बेस पे ही आगे बढ़ेंगे और हम आपको एक एक टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो प्लीज़, अगर आप चैनल में नए हैं या फिर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पहले चैप्टर को, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जितने भी हमें जनरली कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, हम आज उनकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में जाने से पहले, आपको जैसे ही आप अभी 12th पास हुए हो, 10th के एग्जाम दिए हैं आपने, तो 10th क्लास में जब आप साइंस पढ़ते हो तो उसमें कोई भी ऐसा पोर्शन अलग अलग डिवाइड नहीं रहता कि ये केमिस्ट्री अलग से चलता है, फिजिक्स अलग से चलता है, बायोलॉजी अलग से चलती है। वो सिर्फ एक मिक्स में रहता है और एक ही बुक होती है जिसका नाम होता है साइंस। सब्जेक्ट का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम क्या होता है? साइंस। तो साइंस क्या है? साइंस इस अपने यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, नेचुरल हैं, उनकी सबकी स्टडीज जिसके अंदर करते हैं उसको कहते हैं साइंस। अब साइंस की स्टडी से रिलेटेड आपको बताएं कि हम क्या हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और जो हमारा ये ब्रेन है ना, ये हाईली डेवलप्ड है, जो कि बहुत कुछ करना जानता है और बहुत कुछ कर सकता है। हाईली डेवलप्ड है, ठीक है, और उसने किया भी है, क्योंकि आज जो हम मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, इसमें अगर हम हर एक पहलू को देखें तो कहीं ना कहीं या किसी न किसी तरह से साइंस का इन्वॉल्व जरूर है, चाहे वो जिस मैनर में हो, ठीक है। तो साइंस क्या है? साइंस का अगर नॉर्मल सेंस की बात करें तो साइंस एक नेचुरल फिनोमेना का स्टडी करने से रिलेटेड है, जिसको वेरियस मेथड से हम स्टडी करते हैं। और नेचुरल साइंस की बात करें तो वो कई टाइप्स में डिवाइडेड है। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो एक एस्ट्रोनॉमी है, जिसमें आप अंतरिक्ष की बातें, स्पेस की बातें देखते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। जियोलॉजी है, जियोलॉजी, देखो जियोलॉजी और जियोलॉजी, एक होता है जियोलॉजी, एक होता है जियोलॉजी, ये दोनों डिफरेंस रखते हैं। जियोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, मतलब हमें इसमें एनिमल्स के बारे में स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। इसमें जियोलॉजी में हमें लैंड के एरिया के बारे में, या फिर जियोग्राफी, जितनी भी अपनी लैंड एरियाज हैं, इनके बारे में स्टडी करनी पड़ती है। तो जियोलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जिसको हमें स्टडी करना है इसकी, फिजिक्स हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, एक होता है बॉटनी, BOTANY, बॉटनी। तो जियोलॉजी और बॉटनी मिलके क्या बनाती है? बायोलॉजी बनाती है। क्या बनाती है? बायोलॉजी। तो जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो जियोलॉजी और बॉटनी से रिलेटेड चीजें अपने बायोलॉजी वाले सिलेबस में डिस्कस करेंगे, फिजिक्स वाले फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इस तरह से सेवरल टाइप्स से डिवाइडेड किया गया है किसको? नेचुरल साइंस को। अब बात आती है कि हमारा जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इन सब से रिलेटेड नहीं है। तो हम इन सब की बात करने भी वाले नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किसकी? हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री जनरली स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर मैटर की, कंपोजिशन ऑफ मैटर की, जो उसके कंस्टिट्यूंट होते हैं, पार्टिकल होते हैं, एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, इन सब की बात करते हैं, ठीक है। ये बनाए कैसे जाते हैं, मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होती है, केमिकल के लॉ कैसे होते हैं, एक रिएक्शन दूसरे एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके तीसरा प्रोडक्ट क्यों बना लेती है, या फिर कहें कि ए प्लस बी कोई कंपाउंड है और मिलके सी क्यों बना लेता है, इन सब की जो डिटेल्ड स्टडी है हम किसके अंदर करेंगे? हम केमिस्ट्री अपने टॉपिक के अंदर करेंगे, जिसमें हम एक एक चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं कि ए क्या है, बी क्या है, और ये सी क्या है, या फिर हम एरो के ऊपर कुछ भी सिंबल रखते हैं, जो भी साइन लगते हैं, क्योंकि आपने 10th में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री का पढ़ रखा है, जिनमें आपको ये बताया गया था कि रिएक्शन होती कैसे है, कितने टाइप्स की रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन सब के बारे में, कंपोजिशन रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ रखा है, आपने 10th क्लास में अभी भी पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अब बात उतनी सी नहीं रह गई कि हम 3-4 तरह के रिएक्शन के बारे में पढ़ लें और हमारा काम हो जाए। अब हमें उस चीज़ को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिवाइड करके दे दिया गया है, जिसका नाम केमिस्ट्री है, और उसको कंप्लीट सिलेबस में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। और इसके आपके जो सिलेबस में है वो 14 चैप्टर हैं और बहुत ही लेंदी चैप्टर हैं,
ठीक है, जिससे क्या है आपको अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एक एक पहलू को, एक एक टॉपिक को आपको लेकर चलना पड़ेगा, जिसको आप क्लियर कर सकते हो और आपका बेस क्लियर हो जाएगा। ये कभी मत सोचना कि इलेवंथ है, इलेवंथ में हम नॉर्मल पढ़ के होम एग्जाम होता है हम आराम से निकाल लेंगे, और ट्वेल्थ आएगा जब बोर्ड आएगा तब हम देखेंगे। नहीं, ये गलत थिंकिंग है, ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो चीज़ें इलेवंथ में हैं वो आपका बेसिक है। अगर आप बेसिक ही नहीं ढंग से पढ़ोगे तो ट्वेल्थ का जो लेवल अप होता है उसको कैसे स्टडी कर पाओगे? तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना बेस क्लियर करना पड़ेगा, एक एक चीज़ बेसिक करनी पड़ेगी। टेंथ में क्या हुआ, आपने कुछ चीज़ों का रट्टा लगा लिया और जाके एग्जाम दे दिया, बस कहानी खत्म हो गई। कहानी इतने में ख़त्म नहीं होगी। अब आप जो भी पढ़ोगे, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, एटसेट्रा, कुछ भी हो, जो भी आप पढ़ोगे वो आपकी लाइफ डिसाइड करेगी। आप आगे जहां भी जाएंगे वो आपकी साथ में चीजें चलेंगे। मैं इतनी बकवास क्यों कर रहा हूँ? मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आज इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि आपके केमिस्ट्री में है क्या, आपको इस चैप्टर में स्टार्टिंग कैसे करनी है, जिसमें आपको ये जानकारी लेनी पड़ेगी कि क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री का, आपकी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो डेली लाइफ में आप कुछ भी यूज करते हो, पूरे यूनिवर्स के अंदर आप डेली लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें यूज करते हो, जो चीज़ें देखते हो, जिन चीज़ों के संपर्क में आते हो, कॉन्टैक्ट जिनसे बढ़ाते हो, उन सब चीज़ों में क्या है, पार्टिसिपेट है, पार्टिसिपेशन है। किसका पार्टिसिपेशन है? केमिस्ट्री का। हर एक चीज़ में केमिस्ट्री रहेगी। आप अगर सोप यूज करते हो, नहाने वाला साबुन यूज करते हो, शैम्पू, डिटॉल, कुछ भी, हैंड वॉश, अभी सैनिटाइजर वगैरह सब यूज कर रहे हो, एल्कोहल यूज करते हो, हर एक चीज़ क्या है, केमिस्ट्री है। तो देखा, जब हर एक चीज़ अपने आसपास की, हर एक थिंग जो हमारे यूज की है, जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, वो जब इतनी इंपॉर्टेंट है, तो आपकी ये केमिस्ट्री आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, केमिस्ट्री हर जगह मिलेगी। कुछ बच्चे तो केमिस्ट्री या फिर साइंस स्ट्रीम में इसलिए नहीं आते क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़नी पड़ती है, वो एग्रीकल्चर में चले जाते हैं। तो एग्रीकल्चर वालों के लिए भी एक एलिमेंट ऑफ साइंस टाइप का एक सब्जेक्ट बनाया गया है, जिसमें आपको फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, मैथ भी पढ़नी पड़ेगी, कंप्यूटर भी पढ़नी पड़ेगी। वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं एक साथ पढ़ने के लिए आपकी। यहाँ अगर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो वो पर्टिकुलर डिटेल में है, बेसिक है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। आप जब पढ़ने स्टार्ट करोगे तो आप आगे जाके पढ़ सकते हो। लेकिन अगर वहाँ एलिमेंट ऑफ साइंस की बात करें तो वो सिलेबस बहुत ही छोटा है, बिल्कुल नॉर्मल सा सिलेबस है। लेकिन आप ऐसे स्ट्रीम में चले जाओगे जहाँ पे आप मेहनत कर ही नहीं पाते, वो आपके अंदर खुद ही एक थिंकिंग जनरेट हो जाती है कि नहीं नहीं हम तो अब आगे जाएंगे ही नहीं, हमें तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो एग्रीकल्चर है, ये तो कॉमर्स है, हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ऐसे नहीं होता। आपको जिस फील्ड में जाओगे आप, उस फील्ड में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेस होगे। और अभी से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आफ्टर ट्वेल्थ आपको करना क्या है, ठीक है? क्योंकि अगर आपको नीट एग्जाम देना है तो आपको इलेवंथ से ही पढ़ना पड़ेगा सारी चीज़ें, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। आपको जेई मेंस का देना है, आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको अभी से स्टडी करनी पड़ेगी, एनडीए वगैरह देना है तो अभी से स्टडी करनी पड़ेगी इलेवंथ से, तब आपका जाके बेस क्लियर होगा, तब आप ट्वेल्थ में मेहनत करके फिर आप नीट का एग्जाम दे पाओगे, जेई मेंस का एग्जाम दे पाओगे। तो जो भी करना है अभी से करना है, ठीक है? आप ये मत समझिए कि हमारे पास बहुत टाइम है, अभी हमने टेंथ का दिया है, बोर्ड का प्रेशर है, वो हटा है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते, तो रिलैक्स करने वाला टाइम नहीं है। बस जब भी मिले मौका बस शुरू हो जाओ, ठीक है? क्योंकि अगर आपने गिनती के 3-4 साल जो अभी के हैं, अगर इनमें फोकस कर लिया तो आगे आप फोकस करो ना करो आप आराम से निकल जाओगे। लेकिन आपने यही फोकस नहीं किया तो वहीं मार खा जाओगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं अपने आगे बात करता हूँ। तो मैं बात करने वाला हूँ इम्पोर्टेंस की। किसकी? इम्पोर्टेंस की। भाई क्या इम्पोर्टेंस है आपके केमिस्ट्री के, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, क्या क्या इम्पोर्टेंस है भाई? अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो आप जो मेडिसिन लेते हो, जो भी आप जब बीमार हो जाते हो, जो भी ट्रीटमेंट लेते हो, तो वो किससे बनता है भाई? बायोलॉजी वाले डॉक्टर बनते हैं, और डॉक्टर ही जाके क्या करते हैं, इलाज करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि केमिस्ट्री का यूज नहीं होगा भाई। जब केमिस्ट्री से आप ड्रग्स ही नहीं बनाओगे, जब आप केमिस्ट्री से मेडिसिन ही नहीं बनाओगे, टैबलेट ही नहीं बनाओगे, सिरप ही नहीं बनाओगे, तो आप इलाज करोगे कैसे? मतलब हर जगह केमिस्ट्री है। तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंस होता है वो हेल्थ से रिलेटेड होता है। तो हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ, आपको हेल्दी रखने के लिए जो भी चीज़ें आती हैं,
ठीक है, वो सब में क्या होता है, उन सब में केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस रहता है, पेन किलर में इंपॉर्टेंस रहता है, कैंसर के इलाज में, कैंसर की दवा में, सब में इंपॉर्टेंस है किसका, केमिस्ट्री का, उसमें यूज करते हैं। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है वो हेल्थ से रिलेटेड है, आपको आपकी लाइफ बचा सकता है, अगर केमिस्ट्री नहीं होती, मेडिसिन नहीं बनती, आप जिंदा बचते ही नहीं, आप बीमार होते, आपको सर दर्द ही होता, अगर सर दर्द थोड़ा सा बढ़ गया, अगर उसका इलाज नहीं मिला, आपकी आपने उसकी दवा नहीं ली, आपने कुछ लगाया नहीं, भाई आप क्या करते हो? चलो मान लो आपको ड्रग्स नहीं लेना, आपको मेडिसिन नहीं लेनी, ड्रग्स का मतलब वो नशीली ड्रग्स नहीं, मैं दवा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका सर दर्द हो रहा, आपने दवा नहीं ली, तो क्या होगा, थोड़ी देर सर दर्द करेगा, उसके बाद क्या करते हो, चाय वगैरह पी लेते हो, तो उसमें भी तो केमिस्ट्री है। आप क्या करते हो, ठंडा ऑयल लगा लेते हो, नवरत्न ठंडा लगाया, बस आराम से थोड़ी देर चल गया, रिलैक्स किया, हो गया। उसमें भी क्या है, उसमें भी तो है केमिस्ट्री, उसके अंदर भी तो केमिस्ट्री आती है, ठीक है। अब दुनिया भर के लड़कियों की बात कर ले, लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती हैं, ढेर सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करती हैं, पाउडर, लिपस्टिक, दुनिया के जितने भी हैं, वो सब कुछ क्या है, केमिकल ही तो है, केमिस्ट्री से ही तो बना है, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं आपके आसपास, आप जो जो मैं एक क्लॉथ पहने हूँ, ये क्लॉथ भी तो क्या है, ये भी तो है, पॉलीमर ही तो है, और ये भी क्या है, केमिस्ट्री ही तो है, ठीक है। ये मार्कर लिए हूँ, इसके अंदर भी तो केमिस्ट्री है, प्लास्टिक केमिस्ट्री ही तो है, सारा कुछ पॉलीमर ही तो है, पॉलीमर बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलके बना बड़ा मटेरियल होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे उसका भी एक सेपरेट चैप्टर में है, ठीक है। तो जो भी चीजें आप देखते हो, वो सब चीजों में से इन्वॉल्व क्या होता है, हर जगह आपकी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो इसलिए आपको केमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है वो समझनी पड़ेगी, कि आपके लिए केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उन चीज़ों के बारे में पता नहीं हो, आपको पता ही नहीं हो कि ये अगर मेडिसिन आपको नुकसान कर गई तो क्या होगा, तो हर एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। इसलिए आपकी क्या है, आपके सिलेबस में डाला गया है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें से पहला हेल्थ है, दूसरा क्लॉथ है, तीसरा फूड मटेरियल है। जितना भी फूड मटेरियल है, आपने कभी सोचा है कि हम फूड मटेरियल को अगर रख दें गर्मियों में, या फिर एक रात रख दें, अगले दिन देखते हैं तो वो खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है भाई, उसके अंदर रिएक्शंस होती हैं, फर्मेंटेशन होता है उसका, उनमें ढेर सारे वो बैक्टीरियाज होते हैं जो नए नए प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो खराब हो जाता है। तो फूड मटेरियल भी जितना भी होता है, तो फूड मटेरियल ही केमिकल होता है, फिर उसके अंदर रिएक्शन हो रही, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट होता है। तो अगर मैं देखूँ तो जितना भी चीज़ें हैं आपके आसपास, आप जो कुछ भी देखते हो, वो सब केमिस्ट्री है, और आपकी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। तो ये रही बात केमिस्ट्री की, स्कोप की बात करें कि क्या स्कोप है इसका केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री से ढेर सारा स्कोप है, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत स्कोप है, ठीक है। आप ऑर्गेनिक फील्ड में चले जाओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेके चले जाओ, एनालिटिकल केमिस्ट्री से लेके चले जाओ, ढेर सारे पार्ट हैं भाई, क्या क्या बोलूँ, बोल ही नहीं पा रहा, बहुत सारे पार्ट्स हैं और डिटेल में है, बहुत सारा स्कोप है, ये नहीं है कि इसका स्कोप नहीं है, बहुत स्कोप है। आप जिस जिस फील्ड में जाओगे, फूड केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री, जहां भी जाना चाहो, हर जगह है इसका स्कोप, आप हर जगह जा सकते हो। अब बात करते हैं कि हमें केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना क्या है, हमें डेफिनीशन क्या देनी है अपने केमिस्ट्री की। तो जो केमिस्ट्री की डेफिनीशन है वो बहुत ही ईजी है, उसमें आपको क्या करना है, द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ मैटर। दैट मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर किसका स्टडी करना है, सिर्फ और सिर्फ मैटर का स्टडी करना है। मैटर क्या है, आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है, ठीक है, जो क्या, जिसमें कुछ वेट हो और जो कुछ मास ऑक्यूपाई करे वो क्या होता है, वो मैटर होता है। मैटर तीन तरह से हो सकता है, आपने जनरली पढ़ा है, एक होता है सॉलिड, एक होता है क्या, एक दूसरा होता है लिक्विड, और जो तीसरा होता है वो क्या होता है, वो होता है गैस। मीन्स थ्री स्टेट्स में, थ्री फेज होती हैं जिनमें आपका मैटर स्टे करता है। सॉलिड, सॉलिड में आपका जितना भी आप सॉलिड थिंग्स देखते हो, प्लास्टिक, मेटल, जितनी भी हैं आप वो देखते हो सॉलिड में होता है। लिक्विड में देखते हो जो भी चीज़ें, वो क्या है, लिक्विड में आते हैं मैटर, जो गैस में है वो गैस में। जैसे आप ढेर सारे एलपीजी गैस भी देखते हो, ऑक्सीजन गैस भी, ये सब किसके अंदर है, इस वाले गैस के अंदर, वो भी तो मैटर है। मैटर कैसे भाई, हमने कहा जिसके अंदर वेट हो और जो मास ऑक्यूपाई करे,
वही क्या है मैटर है। अब गैस की बात करें तो गैस को आप वेट तो नहीं ना कर सकते हैं कि ऐसे नॉर्मली पकड़ा वेट कर लिया, ऐसे नहीं कर सकते। उसको आपको किसी कंटेनर में रखना पड़ेगा। आप जब आप कंटेनर में रखोगे तो ऐसा तो है नहीं कि गैस अपने आप ये एंटर करी और गैस क्या करे इस कॉर्नर को पकड़ के बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। गैस अपनी पूरी हर जगह घूमती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉलिड चीजें होती है ना, अभी से बता के चलता हूँ मैं, जो सॉलिड चीजें होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब होता है एक ऐसा फोर्स जो दो किन्हीं दो या दो से ज्यादा चीजों को पास में रखे, मतलब बहुत ज्यादा पार्टिकल क्या होंगे जो भाई सॉलिड चीजें हैं वो एक प्रॉपर शेप में दिखती हैं। भाई अगर मैं इस फ्रेम की बात करूं, इस गॉगल की बात करूं, तो क्या है एक प्रॉपर शेप में है कि ये इधर जा रहा है, ये इधर गोल गोल है, मीन्स ये क्या है एक प्रॉपर शेप में है, इसका एक अरेंजमेंट है। और वो अरेंजमेंट क्यों है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो एक दूसरे से क्या होते हैं, ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ऐसे जुड़े होते हैं और एक प्रॉपर शेप में होते हैं। और जब प्रॉपर शेप में होते हैं तो हम कुछ भी बना सकते हैं उसका। अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो लिक्विड में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन कंप्रेशन सॉलिड के क्या होता है, कम होता है। जैसे इसमें इतने पास पास मॉलिक्यूल हैं, अगर मैं लिक्विड का बनाऊं तो एक यहाँ पे होगा, एक थोड़ा सा गैप करके होगा, दूसरा और गैप करके, फिर और गैप करके, तो ये किसका हो गया, ये लिक्विड का हो गया, ये सॉलिड का था। अगर मैं बात करूं किसकी, गैस की बात करूं, तो गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। मीन्स एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, वो अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में घूमता रह सकता है, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। तो ये तो नॉर्मल चीज थी सॉलिड लिक्विड गैस की, जो आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हो। हम बात कर रहे थे मैटर की, तो हमें मैटर के कंपोजिशन की, मैटर के सिंथेसिस की, सब की स्टडी करनी है किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। तो मैटर क्या है, जो जो वेट रखे और जो मास रखे वो क्या करेगा, वो मैटर कहलाएगा। और हमें जनरली यहाँ पे रखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर बैठे बात करें हम, क्या हम बात करने वाले किसी एटम की, हम बात करने वाले हैं आयंस की, हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूल की, हम बात करने वाले हैं इनसे मिलके बने कंपाउंड की। तो इन चीजों की जब स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मैटर की स्टडी। और जब मैटर की स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा हमारा केमिस्ट्री। तो जो केमिस्ट्री के डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स टू स्टडी विद मैटर दैट इज एटम आयन मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज नोन एज केमिस्ट्री। क्लियर है? तो ये जो जनरल था, ये इंट्रोडक्शन था किसका, केमिस्ट्री का, मैटर का। अब बात करना है कि आगे मैटर को हम कैसे आगे पढ़ सकते हैं, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे आगे आगे इसको लेकर चल सकते हैं। तो जनरली जो मैटर होता है वो दो तरह से होता है, वो मैंने टाइप स्टेट में बताए थे, फेज में बताए थे, वो चीज अलग है। अब यहां मैं बात करनी है मैटर के टाइप की बात करनी है। तो मैटर जनरली दो तरह का होता है, एक होता है मिक्सचर, मिक्सचर तो जानते हो किन्हीं भी दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर दें, ठीक है, जो एक दूसरे में क्या हो, मिक्स ना हो और दोनों को सेपरेट देखा जा सके, वो क्या होगा, मिक्सचर होगा। और दूसरा होता है, वो होता है क्या, प्योर सब्सटेंस होता है। वो कैसा होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर फॉर्म में रहता है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं होता, एक तरह की चीज रहेगी तो एक ही तरह की रहेगी, मिक्सचर में एक से ज्यादा तरह की चीजें इन्वॉल्व हो सकती है। अब मिक्सचर की बात करें तो दो तरह का मिक्सचर हम 10th में भी पढ़ा था हमने, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, 9th में भी देखा था। तो एक होता है क्या, एक होता है होमोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर, और एक होता है क्या, हेट्रोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो दो तरह का, देखो दो तरह का कौन मिक्सचर होता है, एक होमोजीनस होता है, एक हेट्रोजीनस होता है। अगर मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूं तो प्योर सब्सटेंस भी दो तरह का होता है, एक तो होता है आपका एलिमेंट, एक क्या होता है आपका एलिमेंट, और एक होता है आपका कंपाउंड। एक होता है एलिमेंट और एक होता है क्या आपका कंपाउंड, एलिमेंट्स आपस में मिक्स होंगे और फिर जाके वो जनरेट करेंगे क्या, कंपाउंड। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन होता है किसका, मैटर का, जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
कि भाई मैटर है दो तरह का, एक मिक्सचर एक प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर है दो तरह का, एक होमोजीनस एक हेटरोजीनस। प्योर सब्सटेंस है दो तरह का, एक एलिमेंट दूसरा क्या है आपका कंपाउंड। तो अगर बात करें हम होमोजीनस मिक्सचर की, तो होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है जिस वाले की बात कर रहे हैं, इनमें क्या होते हैं, अगर हमने कोई दो कंपाउंड लिया एक ए और दूसरा बी, और दोनों को क्या किया हमने लेके एक जगह डाल दी, ठीक है। अगर हमें इन दोनों को देख, या फिर हम इस कंटेनर को देखें जिसमें हमने ए और बी के, इधर बना देता हूं मैं, अगर हमने कोई ए लिया और बी लिया, दो अलग अलग चीजें हैं, और इन दो अलग अलग चीजों को हमने एक साथ डाल दिया और वो कंप्लीटली मिक्स हो जाए, एक दूसरे में इतना मिक्स हो जाए कि हम बाहर से देखें तो हमें पता ही नहीं चले कि उसके अंदर कोई दूसरा मटेरियल भी है, हमें बस देखने में ये लगे कि वो एक ही तरह का मटेरियल है, वो क्या कहलाएगा, होमोजीनस मिक्सचर कहलाएगा। भाई एग्जाम्पल देख लो, आप क्या लो, आप एक गिलास वाटर ले लो, वाटर ले लिया और उसमें क्या डाल दो, अब शुगर डाल दो और उन दोनों को क्या कर दो, मिक्स कर दो। और जब आप मिक्स कर दोगे, भाई शरबत की बात कर रहा हूँ, जब आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप क्या करते हैं, जनरली गर्मियों में रूह अफ़ज़ा वगैरह डाल देते हैं उसमें, वो नहीं डालना है, सिर्फ हमें लेना है वाटर और शुगर का मिक्सचर, जो नॉर्मल शरबत बनाते हैं। अब आप उसको देखो, क्या आपको बाहर से शुगर दिखेगी, भाई वाटर किस में था, लिक्विड में, शुगर किस में था, सॉलिड में, और जब हमने सॉलिड को लिक्विड में डाला तो लिक्विड हो गया, सॉलिड है ही नहीं, रहा ही नहीं, सॉलिड क्या हो गया, मिक्स हो गया, कंप्लीटली मिक्स हो गया। मतलब हम देखें बाहर से देखें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें शुगर डली हुई है, जब हम उसको टेस्ट करने जाएंगे तब पता चलेगा कि इसके अंदर शुगर पड़ी हुई है, अदरवाइज तो पता ही नहीं चलना, बाहर से तो पानी जैसे ही लगना है, ठीक है। दो गिलास हैं, एक में प्योर वाटर है, एक में वाटर शुगर का मिक्सचर है, आपको कह दिया जाए बताओ किसमें शुगर है, आप नहीं बता सकते, कब तक नहीं बता सकते, जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आज भाई एक्सपेरिमेंट करके देखियो, एक गिलास पानी रख लो प्योर, और एक गिलास क्या रख लो जिसमें शुगर मिला के रखी हो, ठीक है, फिर बताना क्या आपने उसको सेपरेट कर पाया कि नहीं। बस हाँ, शुगर को मिक्स हो जाने देना पूरा, ऐसा नहीं कि शुगर डाली है दिखा दिया सर ये देखो शुगर दिख रही है, ऐसा नहीं, उसको कंप्लीटली मिक्स होना है, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से और उनको सेपरेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है, इसको कहते हैं क्या, होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। अगर हम बात करें किसको, अगर हम बात करें हेटरोजीनस को, तो हेटरोजीनस क्या होगा कि ऐसा मिक्सचर जिसमें दो चीजें डालने पर वो कंप्लीटली मिक्स ना हो, कंप्लीटली मिक्स ना हो, उसमें कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म रहे, मतलब यूनिफॉर्म ना हो, कुछ ना कुछ पार्टिकल दिखे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कि हाँ इसमें क्या है, दूसरा मटेरियल पड़ा हुआ है, हम बाहर से भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे क्या ले लें कि एक कंटेनर ले लें, उसमें सैंड डाल लें, सैंड धूल बालू, और उसमें क्या डाल दें, शुगर डाल दें, सैंड और शुगर को डाल दें, तो क्या वो मिक्स हो जाएगा, सैंड शुगर सैंड बन जाएगा, या सैंड शुगर बन जाएगा, वो वहीं रहेगा, जैसा सैंड रहेगा वैसी सैंड पड़ा रहेगा, शुगर का शुगर बना रहेगा, मिक्स दोनों अलग अलग दिख जाएंगे, और जब दोनों अलग अलग दिख जाएंगे तो उसको कहेंगे हेटरोजीनस मिक्सचर, ये यूनिफॉर्म होता है, ये होमोजीनस जो मिक्सचर होता है वो कैसा होता है, वो यूनिफॉर्म होता है, और जो हेटरोजीनस होता है वो कैसा होता है, वो यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब कोई एक दिखे, कोई एक दिखे, तो इस वाले मिक्सचर में, वाटर शुगर के मिक्सचर में एक दिखता है, वाटर वाटर दिखता है, लेकिन इन वाले में ये दोनों चीजें दिखेंगी, सैंड तो दिखेगी, साथ में क्या दिखेगी, शुगर भी दिखेगी। आ गया भाई। अब एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स तो कोई भी है, कार्बन एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन एलिमेंट्स है, जो फ्री स्टेट में अवेलेबल है आपको वो क्या है, एलिमेंट है। कंपाउंड क्या है, H2O, C2H5OH, ये सब क्या है, ये कंपाउंड है जो कई सारे एलिमेंट्स से मिलके बना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन सब चीजों को हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों का मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो जब हम इन सब चीजों के मेजरमेंट की बात करते हैं तब हम बात करेंगे यूनिट्स, इसकी बात करेंगे यूनिट्स की, और हम उसमें देखेंगे कि ढेर सारी यूनिट्स होती हैं। अब यहां पे देख लो, मनी की बात कर लेते हैं, तो अपने यहां क्या चलता है, अपने यहां रुपया चलता है, अमेरिका में चले जाओ डॉलर चलता है, ठीक है, तो दोनों चीजें क्या हो गई अलग अलग, यहाँ हम उसको रुपये में देख रहे हैं, वहां उसको डॉलर में देख रहे हैं, तो ये क्या है, मेजरमेंट का तरीका है, वहां का अलग है यहाँ का अलग है, ठीक है भाई, समझ क्यों नहीं रहे हो। जैसे ये 250 ग्राम है,
ठीक है। तो 250 ग्राम को कई जगह 250 ग्राम भी कहते हैं, कई जगह कहते हैं ये पौवा है, देसी लैंग्वेज है ये, क्या है पाव भर है। 500 ग्राम को क्या कहते हो, ये क्या है, ये आधा किलो है, यही तो कहते हो भाई आधा किलो। तो ये क्या है, यहाँ अलग है यहाँ अलग है, दोनों चीजें एक हैं लेकिन क्या है, मेजरमेंट का तरीका अलग है, देखने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है। खेत की बात कर लो, बीघा में देखते हो, एकड़ में देखते हो, हर जगह देखते हो, तो ये क्या है, अलग 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 मेजरमेंट के तरीके हैं जिसमें आप उसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, वही चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो मेजरमेंट के लिए दो तरह की सिस्टम थे जिनसे आप मेजर कर सकते हो। पहला जो था वो क्या है, इंग्लिश सिस्टम। पहला क्या, इंग्लिश सिस्टम। दूसरा क्या, दूसरा जो था वो क्या था, मैट्रिक सिस्टम था। दूसरा क्या था, मैट्रिक सिस्टम, जिनमें हमने क्या किया, ढेर सारी चीजों को मेजर करना चालू किया। अब अगर बात करें तो इन दोनों को अलग अलग डिस्कस करने से अच्छा था कि कोई एक ऐसा सिस्टम आ जाए जिसको हम हर जगह यूज करें। यहाँ इंडिया के अंदर बैठे हैं तो इंडिया के अंदर भी डिस्कस करें, अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, तो वहां भी क्या करें, वही वाली चीज डिस्कस करें, वही मेजरमेंट डिस्कस करें, जिससे क्या हो, हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो एक नया सिस्टम आया जिसको बोला गया SI यूनिट, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, SI यूनिट को स्टैंडर्ड आइडेंटिटी से बेहतर है तो क्या कर सकते हो, इसको बोल सकते हो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या बोल सकते हो, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको क्या कर सकते हैं, हम एक देश में भी यूज कर सकते हैं, दूसरे देश में, एक नेशन में भी और दूसरे नेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो इसको बोलते क्या है, SI यूनिट। हम उन्हीं की बात करने वाले हैं, तो हम SI यूनिट में बात करें तो SI यूनिट जनरली 7 टाइप्स की होती है, 7 टाइप्स ऑफ SI यूनिट। 7 टाइप की SI यूनिट की बात करें तो जो इनमें फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी, वो क्या होती है, पहले उसकी बात करेंगे, फिजिकल स्टेट में क्या होती है या फिजिकल मेजरमेंट क्या होता है, फिर उसके सिंबल की बात करेंगे, उसका सिंबल क्या होता है भाई, एक होगा उसका नेम, फिर उसका सिंबल, उसको जनरली कैसे दिखाएंगे, फिर क्या करेंगे उस यूनिट का नेम, नेम ऑफ यूनिट, और फिर बात करेंगे SI यूनिट, उसकी SI यूनिट क्या हो। इतनी सारी प्रोसीजर के बाद हम बात करेंगे एक एक चीजों की। तो पहली अगर बात करें तो पहला जो फिजिकल मेजरमेंट होता है वो लेंथ, लेंथ, लेंथ मतलब यहां से यहां से यहां से TH होता है, यहां से लेके वहां तक, ये बोर्ड कितना लंबा है, ये लेंथ है। ठीक है, यहां है, अगर हम बात करें कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो कितना लेंथ है उसका, या फिर हम कोई कपड़े सुखाने वाली डोरी बांध ली, वो कितनी लंबी है, इन सब की मेजरमेंट हम किस लिए करते हैं, उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए। तो लेंथ का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एल होता है। ठीक है, अब नेम होती है, यूनिट का नेम क्या है, तो यूनिट का नेम उसका मीटर, उसको उसको किससे मेजर करते हैं, मीटर से मेजर करते हैं। और उसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट क्या होती है, या फिर सिंबल कहें, SI यूनिट तो यही हो गई, नेम ऑफ SI यूनिट ऐसा डालो, नेम ऑफ SI यूनिट, और यहाँ पे सिंबल, तो जो सिंबल होता है वो स्मॉल एम होता है, मीटर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जो दूसरा होता है, दूसरा SI यूनिट, उसको कहते हैं क्या, मास। मास मतलब होता है आपको मेजर करना है कि वो कितने कितना उसमें वजन है, उसमें कितना वेट है, तो वेट के लिए क्या करते हो आप, मास के लिए यहाँ पे सिंबल क्या आएगा, मास के लिए स्मॉल एम आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल एम कंफ्यूज मत होना, ये सिंबल है किसका, फिजिकल मेजरमेंट का, फिजिकल मेजरमेंट का, और ये सिंबल है किसका, SI यूनिट का। मास स्मॉल एम, अगर SI यूनिट की बात करें तो वो होती है क्या, किलोग्राम, इतने किलो, उतने किलो, ये आप किलोग्राम में ही मेजर करते हो। और जो इसका सिंबल होता है वो क्या होता है, केजी, क्या होता है, केजी। अगर हम बात करें तीसरी टाइप की यूनिट की, तो जो तीसरी टाइप की यूनिट होती है वो होती है टाइम,
ठीक है, टाइम को आप मेजर कैसे करते हो? तो टाइम का जो सिंबल होता है उसको टी से मेजर करते हैं, और जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकंड होती है, सबसे छोटी क्रांति सेकंड, सेकंड से मिलके मिनट, मिनट से मिलके आवर, ठीक है, आवर से मिलके दिन, ठीक है, इस तरह बढ़ता जाता है। और जो सेकंड होता है उसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल एस। फोर्थ टाइप की एसआई यूनिट की बात करें तो जो फोर्थ टाइप की एसआई यूनिट है वो होती है इलेक्ट्रिक करंट। वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट। भाई अब जितनी लाइट आ रही है, इसमें जितना करंट फ्लो हो रहा है, उसको भी तो मेजर करना पड़ेगा। भाई ट्यूबलाइट जल रही, फैन चल रहा, कितने कितनी इलेक्ट्रिक करंट से चल रहा, कितना है उसके अंदर, तो उसको मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक करंट से। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है वो होता है आई। क्या होता है? आई। और जिसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। और जिसका सिंबल होता है वो होता है कैपिटल ए। फिफ्थ टाइप की अगर एसआई यूनिट की बात करूं मैं, तो जो फिफ्थ टाइप की एसआई यूनिट होती है वो होती है टेम्परेचर। भाई कितनी तेज गर्मी है, इसका टेम्परेचर आपको मेजर करना पड़ेगा ना। तो जो टेम्परेचर का सिंबल होता है वो क्या होता है? टेम्परेचर का सिंबल कैपिटल टी, टाइम का सिंबल स्मॉल टी, टेम्परेचर का सिंबल क्या? कैपिटल टी। और कैपिटल टी टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं? जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन, और जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल के। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये पांच तरह की हो गई एसआई यूनिट। लेंथ हो गई मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। लेंथ को स्मॉल एल से मीटर में, एम मास में, स्मॉल एम किलोग्राम में मेजर करते हैं, केजी से रिप्रेजेंट होता है। टाइम स्मॉल टी सेकंड से, स्मॉल एस इलेक्ट्रिक करंट, आई एम्पियर ए। ठीक है, टेम्परेचर को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, केल्विन को के से। ये सारी चीजें यूज होंगी पूरी केमिस्ट्री में, चाहे वो आप 11th में पढ़ो, 12th में पढ़ो, या फिर आगे चल के पढ़ो। अब हम बात कर लेते हैं सिक्स टाइप की जो एसआई यूनिट है, तो सिक्स टाइप की एसआई यूनिट होती है वो होती है अमाउंट। क्या होती है? अमाउंट, एक एम होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो भी आपका सब्सटेंस आपने यूज किया है उसका अमाउंट कितना है, तो अमाउंट का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एन। जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है मोल, एम ओ एल ई, मोल। ठीक है, जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है एम ओ एल, लिख सकते हो, और एम ओ एल ई भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम सेवंथ टाइप की लास्ट वाली बात करें तो वो क्या है? वो है इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। वो क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, आई डबल एल यू एम आई एन ए टी आई, एल्यूमिनेशन। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ एल्यूमिनेशन का जो सिंबल होता है वो होता है आई म्यू। क्या होता है? आई म्यू। और जिसकी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला, सी बी। ठीक है, तो ये सात तरह की एसआई यूनिट हैं जिनका आपको मेजरमेंट में, जितनी भी चीजें आप लोगों उसके मेजरमेंट में यूज में आएंगी। ठीक है, ये रही बात किसकी? एसआई यूनिट्स की। अब आगे भी हमें बात करनी है, वीडियो लेक्चर लंबा हो रहा है, तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आगे की यूनिट्स की। और हम बात करेंगे जो भी डेटा हम एनालिसिस करते हैं, जो भी डेटा मेजरमेंट करते हैं, उसको रिटन कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, इन सब की बात करेंगे। और साथ में ही बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, कि एक एक केमिकल दूसरे केमिकल में कैसे बदल जाता है, एक केमिकल दूसरे से कैसे रिएक्ट करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो की सारी जानकारी मिलती जाएगी। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपके जो अभी 10th में बच्चे थे, कई जगह एग्जाम हो गए हैं, कई जगह एग्जाम नहीं हुए, जैसे एमपी बोर्ड में एग्जाम नहीं हुए, सीबीएसई में एग्जाम नहीं हुए, कुछ एग्जाम अभी भी बचे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगली क्लास के लिए पढ़ नहीं सकते। वो एग्जाम हो जाएंगे, नॉर्मल से एग्जाम आपके बजे हैं, हिंदी इंग्लिश उर्दू के पेपर हैं, वो आप नॉर्मल सा पढ़ के निकाल सकते हो, साथ साथ आप अगली क्लास की भी तैयारी करते जाओ। आप किसी भी स्कूल, किसी भी जगह, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे, पढ़ाई लेंगे, पढ़ाई करने के लिए, तो जब तक ऐसा लॉकडाउन चल रहा है ये सारी चीज़ें पिछलती जा रही हैं, सारा चीज़ें लेट होता जा रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बाद में बचने के लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो भी पेपर रह गए हैं वो भी होते रहेंगे, बिल्कुल उनकी टेंशन नहीं लेनी है, चिल करो, आराम से घर में रहो, स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।